एक महीने से स्कूलों में फीस, ड्रेस और किताबों के नाम पर हो रही लूट की शिकायत को लेकर अभिभावक काफी परेशान हैं। लेकिन ना तो शासन और ना ही प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। अब जब दाखिले हो चुके तो शिक्षा मंत्री ने अगले सप्ताह से लूट मचाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कही। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने निजी स्कूलों द्वारा एडिशनल फीस, स्कूल ड्रेस और मनमाने रेट पर किताबें बेचने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, जूते, जुराब, स्कूल ड्रेस, किताबें और टाई के नाम पर अधिक फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। शर्मा का कहना है, अगले हफ्ते से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रामविलास शर्मा बहादुरगढ़ के कसार गाँव में सरकारी स्कूल के नए बनने वाले भवन के शिलान्यास के लिए आए थे। इससे पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में नागरिक कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर ज्ञापन देकर शिकायत की, जिस पर उन्होंने जल्द ही सख्त कदम उठाने की बात कही।